हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवाय सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th की टॉपिक है। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं मैंने इसको कवर कर दिया है, आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं और उसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी, जहाँ एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए कंसिडर करते हैं, इस एंगल को लेकर हम चलेंगे तो इसे प्रूफ करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमें मालूम है कि इसमें पाइथागोरस लगेगा। तो ये आपका मान लेते हैं कि क्या है, आपका हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो इसे परपेंडिकुलर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एंगल ए कंसिडर कर रहे हैं तो सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, तो क्या हो सकता है आपका, हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर जो आप क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका, ए बी है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है, ए सी स्क्वायर। यहाँ तक के लिए अब हम क्या करते हैं, इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं और बोथ साइड हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर क्या है, यानी बी सी बाई ए सी पहले देखते हैं। तो इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए बी सी बाई ए सी, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है। तो किसके लिए होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस साइन के लिए होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन ए। ठीक है ना, क्योंकि ए एंगल है और ये स्क्वायर है, तो आप ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं। सेकेंड वन क्या है, ए बी बाई ए सी, तो ए बी क्या है आपका, एंगल ए के लिए ए बी है आपका बेस और ए सी आपका हाइपोटेनियस, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस बाई हाइपोटेनियस किसका होता है, कॉस का होता है, तो कॉस ऑफ एंगल ए स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू वन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। तो ये क्या हुआ, ये पहली आइडेंटिटीज हो गई। ठीक है ना, ये पहले आइडेंटिटीज हो गया। सेकेंड वन देखते हैं क्या है हमारा, हम फिर से उसी इक्वेशन पर चलते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर जो हमने पाइथागोरस से बनाया था इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों साइड हम बी सी से डिवाइड कर देते हैं, कैसे, बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है, बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, प्लस ए बी बाई बी सी क्या होगा इस एंगल के लिए, तो ए बी क्या है आपका, बेस है, और बी सी क्या है आपका, परपेंडिकुलर, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ, ए बी बाई बी सी लिखा हुआ, तो ए बी क्या है आपका, बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो होगा क्या, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कॉट हो जाएगा आपका, कॉट और ये स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर कर लीजिए एंगल ए के लिए। और ए सी बाई बी सी क्या होगा, तो ध्यान दीजिए ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है, और बी सी क्या है आपका, परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो ये किस चीज़ का होता है, ये होता है कॉसेक का, ठीक है, स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर एक कर लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका, सेकेंड आइडेंटिटीज हो गया। ठीक है ना, सेकेंड इसका नाम दे सकते हैं आपको, रैंडमली कोई भी हो सकता है आगे पीछे। ठीक है, एक और लास्ट वन है उसे देख लेते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, जो पाइथागोरस हमने बनाया था, क्या बनाया हमने, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या करते हैं कि अब ध्यान दीजिए कि हमने एक बार ए सी से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, एक बार बी सी से डिवाइड कर दिया, अब ए बी से डिवाइड करेंगे, बहुत अच्छा प्रूफ है इसका। तो बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड हम क्या करें, ए बी से डिवाइड करें, ए बी स्क्वायर से, तो ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए बी सी बाई ए बी क्या है, तो एंगल ए के लिए बी सी बाई ए बी यानी परपेंडिकुलर बाई क्या है आपका, बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस किसका होता है, टैन का होता है, तो टैन और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, और ये आपका एंगल ए के लिए। ठीक है,
जैसे ये होल स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर जाता है, एंगल पे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस ए बी बाई ए बी कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या है आपका ए सी बाई ए बी। तो फिगर से देखिए यदि एंगल ए है तो ए सी, ठीक है ना, ए सी क्या है हाइपोटेनियस है, और ए बी क्या है आपका, तो ए बी आपका बेस है, यानी हाइपोटेनियस बाई बेस, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ का होता है, तो ये होता है आपका सेक का, सेक स्क्वायर और फॉर एंगल ए। तो ये हो गया आपका लास्ट आइडेंटिस। रैंडमली आप फॉर वन फॉर सेकंड किसी को बता सकते हैं, बट ये क्या है, ये तीनों आइडेंटिस आपके इस्तेमाल होते हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको डिफाइन कर दिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी हिट करें, और यदि आप फेसबुक पेज पर हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक और फॉलो करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।